उस बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों आज जो हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं ये मेड इन पाकिस्तान गाना है और बहुत कमाल की गाना है। ये जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो मॉडर्न हंटिंग हाउस है, ये राजा बाजार में मोती मस्जिद के बिल्कुल सामने इनकी शॉप है और शाह साहब ऑनर हैं इसके और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये उनसे परचेज़ की, ये हाफिज़ इब्रार साहब सरगोधा वाले ये इस गन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सबसे पहले आप को मैं कुछ इसकी क्वालिटीज़ बता दूं। इस पूरी गन की जो लेंथ है वो तकरीबन 44 इंच है और जो बैरल लेंथ है वो तकरीबन 19 इंच है। अभी ये नया साइट इसके ऊपर लगाया है और कमाल की इसकी एक्यूरेसी है। इसका जो यहाँ करीब करें कैमरा, ये है जी रेनबो मॉडल 50 और इसमें 0.22 कैलिबर के ग्रेन्स इस्तेमाल होते हैं और बेस्ट ये है कि इसमें ये प्रो मैग्नम के आप इस्तेमाल करें तो इसकी कमाल की एक्यूरेसी आएगी। तो नाज़रीन बात ये है कि देखें इस गन की ख़ूबसूरती को आप देखें कि इसमें पहले ये प्लास्टिक का जो बट स्टॉक दिया गया है, इसके अलावा स्टॉक इसका जो प्लास्टिक का है और ये आप देखें इस पे जो लकड़ी का इस पे पॉलिश इंतहाई नफीस किस्म की हुई है और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ये गन जो सी है ओरिजिनल सरगोधा पे बनती है और रेनबो के नाम से बनती है और जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है ये बेसिकली डियाना की कॉपी है और कमाल की उन्होंने कॉपी बनाई है और इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी इंतहाई ज़बरदस्त है। मैंने गम खुद इस्तेमाल की और इसकी कमाल की एक्यूरेसी है। ये देखें जो इसका ट्रिगर है, ये ट्रिगर ये भी इंतहाई खूबसूरत है। इस पर ये चेकरिंग देखें बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है और आगे इन्होंने जो साइड दी है वो भी मॉडर्नाइज की है। मैं ठहरे अभी इसको कॉक करके आपको दिखाता हूँ। ये करीब करें कैमरा, ये देखें इसमें स्टॉप करने के लिए ये बॉल का इस्तेमाल किया गया है जो आमतौर पर डियाना में इस्तेमाल होता है। फिर जो इसकी सील है वो भी एग्जैक्टली डियाना की तरह है और नाजरीन इसकी तकरीबन जो स्पीड मैयर की गई वो तकरीबन 750 से 800 FPS के इसकी स्पीड है और कमाल का प्रेशर है। सिलेंडर आप देखें इसका, ये कितना रेल की जगह भी दी हुई है, यहाँ स्कोप भी आप लगा सकते हैं। ये 11 mm की स्कोप यहाँ लग सकती है, ये रेल दी गई है और इसका आप सिलेंडर देखें कि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये प्रेशर बहुत अच्छा बनाती है। मैंने इसको लॉन्ग रेंज पे भी टेस्ट किया, कमाल की एक्यूरेसी है। और यहाँ तक बात करें इसके जो लकड़ी इस्तेमाल किया गया वुड का वो भी इंतहाई नफीस काम है और इसकी पॉलिशिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। आगे इसका जो स्कोप है अगर आप इस तरफ करें तो ये आयरन का बना हुआ है और इंतहाई कमाल का है। दूसरे सबसे बड़ी बात ये है कि जो मार्केट में 20-25 हज़ार रुपये की गन मिलती है जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, ये ना सिर्फ उसका मुकाबला करती है बल्कि उससे बेहतर परफॉर्म करती है। वेट इसका तकरीबन राउंड अबाउट 3.5 से 4 किलो के दरमियान है और बड़ा मुझे मज़ा आया इसको इस्तेमाल करते क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो कमाल की है। ये जो साइट नहीं लगाई गई है इससे जो पुराने मॉडल आते थे जो रेनबो 35 थे उससे भी कमाल की एक्यूरेसी है। इसमें ये राइट लेफ्ट मूव करने के लिए और ये एलिवेशन के लिए जिससे आप एलिवेट कर सकते हैं निशाने को। तो माशाल्लाह जी पाकिस्तान अब एयर गन्स जो सा उसमें भी बड़ी ही कमाल की एयर गन्स बना रहे हैं और
जब मैंने ये ख़रीदी तो शाह साहब ने मुझे कहा कि ये मैं इसकी 5 से 10 साल की गारंटी आपको खुद देता हूँ, ताकि आप इसको इस्तेमाल करें, देखें, और ये बेहतरीन किस्म का आपको रिज़ल्ट देगी। और वाकई तकरीबन मुझे 3 वीक्स हो गए हैं इसको इस्तेमाल करते हुए, तो ये कमाल की इसमें एक्यूरेसी देते हैं। आखिर में बस आपको मैं बताऊंगा कि आप इसको रिव्यू कर लें, देखें इसको यहाँ से, ये इसको कैमरे लेके आए करीब, यहाँ से आगे मूव करें आप कैमरे को, ये पूरी इसकी बैरल और साइड दिखाएं, ये देखें, आगे इसको मूव करें, इधर बर्ड स्टॉक के ऊपर दिखाएं, और ये देखें, ये बर्ड स्टॉक, और ये दिखाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई हुई है, और कहीं से भी ये पता नहीं चलता कि ये गन जोन सी है, ये कोई पाकिस्तानी है, बड़ी मेहनत से बनाई गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो इसमें हम आपको स्कोप भी एडजस्ट करके दिखाएंगे, और इसकी एक्यूरेसी भी आपको टेस्ट करवाएंगे। कमाल की गन है, तो हमें फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसी गन्स बन रही हैं, और ये ओरिजिनल जो उनसी है सरगुल्दा की है। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।